गाइस, आइए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, अभी क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, अभी वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड ही आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। वो सोच रहे हैं कि अब डिवाइन ही कुछ करेंगे, अब समय के में जो लिखा है अभी जो होने वाला है वो ईश्वर जैसा चाहते हैं ऐसा करेंगे। तो अभी आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स और एट ऑफ पेंटिकल्स। जजमेंट कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये देखते हैं और क्या कार्ड है। थ्री ऑफ वैंड्स और एक है टेन ऑफ कप्स। हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ। स्टार कार्ड, एक कार्ड और प्लीज एंजल्स, एक कार्ड डेथ। मैं देखती हूँ कि उनका आपकी तरफ क्या एक्शन होगा। हेल्प मी एंजल्स, क्या एक्शन है इनके पार्टनर का। दो कार्ड, तीन कार्ड आया है, आप देख सकते हैं एक्शन ही है। ये है नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो आइए बताती हूँ मैं कि क्या कंडीशन है। ओके, मुझे लगता है एक दो कार्ड और मुझे ले लेना चाहिए जो आना चाह रहा है। नाइन ऑफ कप्स, ओ गॉड, इतने सारे। ओके, कार्ड्स तो बहुत सारे आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड आपका आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। अब वो थक चुके हैं, उन्हें रातों को अच्छे से नींद नहीं आती है, वो थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, सोच सोच के कि क्या करना चाहिए, ये सब जो सब गड़बड़ हुई है, क्यों हुई, कैसे हुई, अब उन्हें समझ में आने लगा है। तो वो आपके लिए कप लेके तैयार हैं, वो आपको कप देना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो उसको साइड करना चाहते हैं। वो फ़िलहाल वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, इसी वजह से उन्हें एंजाइटी भी हो रही है। वो वेट कर रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए। उसके बाद साथ ही टू ऑफ कप्स, ये आपका ट्विन फिल्म सोलमेट, कोई ऐसा ही आपका कनेक्शन बता रहा है। स्टार कार्ड है, वो आपको अपना स्टार मानते हैं और
वो अपना कप आपको लेके आपके लिए तैयार हैं, कप आपको अपना देने के लिए तैयार हैं। बहुत काम किया है उन्होंने अपने पेंटिकल्स पे, बहुत काम करने में उन्होंने आपको खो दिया। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने अपने पेंटिकल्स पे काम करने की वजह से उन्होंने खो दिया। साथ ही वो आपको अपना कप देना चाहते हैं, वो आपके पर्सन, जो कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है न्यू पर्सन भी आ रहे होंगे, ऐसी संभावना है कि कुछ लोग के लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड आया है तो हो सकता है किन्हीं किन्हीं के लाइफ में कुछ मेजर ख़त्म हो रहा हो, कुछ बड़ा हुआ हो जो डेथ होगा और उसमें न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी किन्हीं न्यू पर्सन के साथ। और कुछ लोगों के लिए है कि उनके जो एक्स हैं वो वापस आ रहे हैं, उनके लिए कुछ ख़त्म कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ से या तो थर्ड पार्टी या कुछ ऐसा ख़त्म कर रहे हैं। ये आपको लेके बहुत सोचते हैं, पहले तो वो अपने पेंटिकल्स को लेके सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसे कैसे कमाना है, काफ़ी उन्होंने मेहनत की है पैसे कमाने में। और वो सोच रहे हैं पैसे तो हो गए पर मैंने सारी गड़बड़ जो की है वो कैसे ठीक हो, वो आपको कहीं और किसी और के साथ देख नहीं पाते हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको लेकर के परेशान है कि ऐसा ना हो कि मूव ऑन करके वो चली जाए या किसी और के साथ चली जाए, कहीं ऐसा ना हो उसकी लाइफ में कोई आ जाए। इसलिए अब वो जजमेंट करना चाहते हैं और अब कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपके लिए जजमेंट की तैयारी में है, चैरियट। और वो सारे परेशानियों को, सारे कष्टों को झेलने के बावजूद वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत स्पीड में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रास्ता ब्लैक मैजिक ने रोक रखा है। और उन मतलब वो सोचते हैं कि ये करना है मुझे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं ब्लैक मैजिक की वजह से। इसलिए डिवाइन ने चार्ज संभाला है, आपके एंजल्स ने अपने हाथ में ले ली है और आपको वर्ल्ड कार्ड, वो अपना वर्ल्ड समझते हैं आपको। इस तरह से उनकी पूरी इच्छा है कि वो आपकी तरफ आएं इसमें अब, और आपके साथ फैमिली बना, हैप्पी फैमिली आपके साथ। वो हैप्पी फैमिली देखते हैं, वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं और चाहते हैं आपके साथ अपनी एक अलग दुनिया बनाना, लेकिन वो सही समय का इंतज़ार भी कर रहे हैं। वो जल्दी में हड़बड़ा के कोई काम नहीं करना चाहते, बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स ने आपके लिए क्या सोच रखा है। डिवाइन ने जब कमांड हाथ में ले ली है तो ज़रूर उन्होंने कुछ सोचा होगा। मैं एक कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। अबंडेंस तो आपके पास आ रहा है, आपके लाइफ में वो सभी चीज़ें आ रही हैं जो आपको ज़रूरी हैं, आपने कभी सोच रखा था। आपके लाइफ में सब कुछ आने वाला है, भरपूर प्रचुरता। एक और कार्ड निकालती हूँ मैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ मंथ के बाद आपके पास अबंडेंस, पैसा, पावर और आपको जो चाहिए वो सब कुछ आने वाला है। तो एंजल्स आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ मंथ में आपको ये सारी चीज़ें देने वाले हैं। आइए आज देखते हैं आपके पर्सन का इनिशियल, आपके पर्सन का इनिशियल क्या है। एस हो सकता है आपके पर्सन या आपका नाम एस से स्टार्ट होता हो। ए भी है, के ओके,
11 11 11 11 आपके लिए एंजल नंबर है, ये कुछ खास महत्व रखता हो सकता है। मेष, हो सकता है आपके पर्सन की राशि मेष हो। मेडिटेशन, गाइस आप लोग मेडिटेशन करो, हो सकता है आप लोग अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर रहे हो इसलिए भी यूनियन यूनियन में देरी हो रही है। यू किन्हीं के पार्टनर का या किन्हीं का इनिशियल यू है। एक दो और मैं देखती हूँ। फिर से के आया है, ए भी फिर से आ रहा है और एस भी रिपीट हुआ है। एम वाई, एक और मैं लूँगी बस, उसके बाद मैं नहीं लेने वाली हूँ। ये है आर, ओ गॉड आर, मुझे लगा फिर से रिपीट होने वाला है। ये पी, ओके आइए अब देखते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन का क्या मैसेज है, आपके पर्सन ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है, आइए देखते हैं। इतने सारे हैं, मैं इनमें से रेंडमली उठाऊंगी। ओके प्लीज़ फॉरगिव मी, चले आओ, दिख रहा होगा आपको, चले आओ। शायद आप लोग उनको छोड़ के गए हो तो वो कह रहे हैं चले आओ। लव यू, ये आपके लिए आया है लव यू। थोड़ी तबीयत सही नहीं है गाइस, इसलिए ओ देखिए कितना सुंदर आया है आपके लिए। कॉल मी, आपके कॉल का वेट कर रहे हैं वो और आपको कॉल करने कह रहे हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप लोग कॉल नहीं करना वरना फिर से वो रन कर जाएंगे, इसलिए आप कॉल नहीं करना। देखिए सॉन्ग आए, तेरे बिना जिया जाए ना, सांस में सांस आए ना, ये सॉन्ग लगभग आ ही जाएगा, पता नहीं किन्हीं को बहुत ज़्यादा पसंद है। माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू, उन्होंने कहा है कि उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं। कुछ और ले लूँ क्या, लग रहा है आपको कुछ और लेना चाहिए, देखते हैं। ओ मस्त, देखिए वो सॉरी मांग रहे हैं आपसे, सॉरी। ओके एक और सॉन्ग है, तेरे बिन नामुमकिन अपना गुजारा है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसको यूट्यूब पे देख लेंगे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, सॉरी, फिर से सॉरी, उन्होंने कहा अगेन सॉरी, इन्होंने आपको दुख दिया है, इनको समझ में आ रही है बात, इन्होंने दिखाया मेरी गलती माफ़ कर दो प्लीज़। अब वो फुल रिग्रेट में है और देखिए बिना वो किए सैड आ रहा है, सैड है, वो बहुत सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्या करें ना करें, और सैड हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, लीजिए मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, कांट लिव विदाउट यू, सॉन्ग के साथ ही इन्होंने लिखा हुआ भेजा। चलिए ठीक है, मैं बस इतना ही ले पाऊँगी, अब नहीं ले रही हूँ। मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि आपके पर्सन की अभी फ़िलहाल क्या एनर्जी है। थैंक यू।